अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनानी सिंप्लीफाई पर। मेरा नाम है मोहम्मद नबील निज़ाम और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही मशहूर मुरक्कब दवा के ताल्लुक से, जिसका नाम है इत्रीफल मुकिल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि उसूल है हमारा मुरक्कब पढ़ने का, किसी मुरक्कब दवा को हम लोग सात हेडिंग के अंदर में पढ़ते हैं। जो सबसे पहली हेडिंग है उसका नाम है वजह तस्मिया। वजह के माने होते हैं कॉज और तस्मिया के माने होते हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि नाम रखना। तो यानी कि इसकी हेडिंग के माने हो गए नाम रखने की वजह। जैसे कि आज का हमारा मुरक्कब है इत्रीफल मुकिल, तो इस हेडिंग के जरिए हम लोग जानेंगे कि इस इत्रीफल का नाम इत्रीफल मुकिल क्यों पड़ा। तो इत्रीफल मुकिल का नाम इत्रीफल मुकिल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें मुकिल नाम की जो दवा है वो बतौर जुज़े खास शामिल की गई है, यानी कि एज अ चीफ इंग्रेडिएंट इस मुरक्कब में मुकिल नाम की दवा शामिल की गई है और ये इत्रीफल है, इसी वजह से इसका नाम इत्रीफल मुकिल पड़ा। तो इसको अपनी कॉपी में लिखना होगा, तो किस तरह से लिखेंगे इसको? लिखेंगे, चूंकि इस इत्रीफल में मुकिल यानी गोगुल बतौर जुज़े खास शामिल किया गया है, इसी मुनासिब बस से इसका ये नाम पड़ा। मुकिल को आम जबान में गोगुल बोलते हैं। गोगुल इसका मुतरादिफ है। मुकिल या गोगुल एक किस्म का गोंद होता है और जिसके अंदर मेनली दाफे बवासीर या फिर मुहल्लिले औराम, दाफे बवासीर और मुहल्लिले औराम दो फंक्शन मुकिल के अंदर मेनली पाए जाते हैं और इसी वजह से इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर इसी वजह तस्मिया को हमें दूसरे लफ्जों में लिखना हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जुज़ खास मुकिल के नाम से मौसूम है। एक लिखने का तरीका जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, एक जो मैं बता रहा हूँ वो है कि जुज़े खास मुकिल के नाम से मौसूम है। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, जुज़े खास, यानी कि इसका जुज़े खास हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वजह तस्मिया में कि इसका जुज़े खास है मुकिल यानी कि गोगुल। अब मुकिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुकिल जो है एक किस्म का गोंद है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मर्ज बवासीर यानी कि पाइल्स में, दोनों किस्म की पाइल्स में, चाहे ब्लीडिंग पाइल्स हो चाहे नॉर्मल पाइल्स हो, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी पाई जाती है। अब क्योंकि ये एक किस्म का गोंद है और हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कुल्लियात या मुफरदात में कि जितने भी गोंद होते हैं वो सब के सब पानी में हल हो जाते हैं, ये इसकी ये दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आगे के हेडिंग्स में ये काम आएंगी। अब एक चीज और आपको यही बताता चलूं, हम लोग जितने भी मुरक्कब पढ़ते हैं उसमें जो जुज़े खास के तौर पर दवा शामिल की जाती है, मेनली जो उसका फंक्शन होता है जुज़े खास का, यानी कि जो मुफरद जुज़े खास का फंक्शन होता है उस मुरक्कब का भी ज्यादातर वही फंक्शन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे इत्रीफल मुकिल एक मुरक्कब दवा पढ़ रहे हैं जिसमें मुकिल नाम की दवा बतौर जुज़े खास शामिल की गई है और चूंकि मुकिल एक बहुत अच्छी दाफे बवासीर दवा है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल, इस मुरक्कब का भी इस्तेमाल बवासीर को दूर करने के लिए किया जाता है। ये एक ट्रिक है जिसके जरिए अगर हमें मुफरद जुज़े खास का अफाल व खवास पता है तो उसके बिना पर हम उस मुरक्कब का अफाल व खवास लिख सकते हैं, हमें उसको याद करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब आइए जानते हैं इसमें और कौन कौन से अजज़ा पड़े हुए हैं। तो इसमें कुल आठ अज्जा शामिल किए गए हैं। अब उन आठ अज्जा को याद करना जो है बहुत आसान है। अब चूंकि ये एक इत्रीफल है तो इत्रीफल में तीन चीजें तो शामिल ही होंगी, यानी कि हलैला, बलैला और आमला। अब हलैला में की जैसे कि हलैला की हम लोग पढ़ चुके हैं कि हलैला की तीन किस्में होती हैं, हलैला जर्द, हलैला काबली और हलैला स्याह। लेकिन इस वाले त्रिफल में हलैला की सिर्फ दो ही किस्में पड़ी हैं, एक हलैला जर्द और दूसरा हलैला काबली। अब इसके बाद बलैला पड़ा हुआ है और आमला, ये चार अज्जा तो हमारे आठ में से याद हो गए क्योंकि इत्रीफल है, इसमें हलैला, बलैला, आमला तो पड़ा ही होगा, चार ये हो गए। अब उसके बाद क्योंकि हम लोग इत्रीफल मुकिल पढ़ रहे हैं तो इसमें जुज़े खास के तौर पर मुकिल शामिल है, तो अज्जा में जो पांचवा अज्जा हो गया वो हो गया मुकिल। नेक्स्ट चीज,
क्योंकि ये इत्रीफल है और हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि इत्रीफल बनाने के दौरान जब उसका पाउडर बनाया जाता है तो बिलखुसूस हलैला जात का सफूफ बनाने के बाद उसको किसी ना किसी रोगन के हमरा चर्ब करने की जरूरत पेश आती है। और इसी इसीलिए इस इत्रीफल में चर्ब करने की नियत से दो रोगन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, रोगन बादाम शीरी या रोगन बेद इंजीर, इन दोनों में से किसी एक का। तो हमारा जो पांच छठा अज्जा हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो हो गया रोगन बादाम शीरी। अब क्योंकि इत्रीफल एक कवामी मुरक्कब है और कवाम बनाने के लिए आमतौर से शकर या शहद का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट या शहद या शकर। तो ये आठ में से सात अज्जा तो बहुत आसानी से याद हो गए। अब मैं आपको एक उसूल बताऊं कि इत्रीफल मुकिल जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें जो मुकिल नाम की दवा है उसको जब शामिल करने के लिए उसको किसी पानी में घोलकर शामिल किया जाता है। जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं मुकिल को घोलने के लिए उसका नाम है आबे गंदना। अब ये क्या होता है, आब मतलब हो गया पानी और गंदना प्याज की किस्म का एक पेड़ होता है। ठीक है, गंदना गेहूं से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से हटा दीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि गंदना कोई गेहूं की किस्म का पेड़ होगा। गेहूं की किस्म का कोई पेड़ नहीं है, गेहूं के पेड़ के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है गंदुम। गंदना एक प्याज की किस्म का एक पौधा होता है, उसको कुचल कर उसको निचोड़ कर उसका जब रस हासिल कर लिया जाता है तो वही कहलाता है आबे गंदना। और गंदना के अंदर भी, गंदना जो पौधा होता है उसके अंदर भी बवासीर को दूर करने की और कब्ज को दूर करने की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए अपने इस मुरक्कब के अफाल में इजाफा करने के लिए हम लोग रिफल मुकिल को तैयार करते वक्त मुकिल को किसी सादे पानी में नहीं बल्कि आबे गंदना में हल करते हैं, आबे गंदना में घोलते हैं। अभी जब तरीका तैयारी पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बरल अज्जा बहुत आसान है याद करना, कुल आठ अज्जा हैं जिसमें से चार तो इत्रीफल वाले हो गए। कौन कौन से, पोस्त हलैला जर्द, पोस्त हलैला काबली, पोस्त बलैला और आमला मुकश्शर। इसके बाद पांचवा इसका जुज़े अज़ीम हो गया यानी कि मुकिल। छठे नंबर पे जो है हम याद कर सकते हैं आबे गंदना यानी कि गंदना का पानी। सातवें पे हो गया रोगन बादाम शीरी या रोगन बेद इंजीर। और लास्ट में क्योंकि कवामी मरकब है तो शकर या शहद। अब बात करते हैं तनासुब की यानी कि रेशियो की, इस मुरक्कब को तैयार करने के लिए कौन सी दवा कितने रेशियो में लेनी है। तो इसमें जितने भी इत्रीफल वाली चीजें हैं यानी कि हलैला बलैला और आमला वो सब हम वजन यानी कि इक्वल अमाउंट में लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमने सारी वो दवाएं ले ली चारों 35-35 ग्राम। उसके बाद अब मुकिल कितना लेना है, मुकिल लेना है जितनी एक दवा ली है इसके जो एक्चुअल वजन है उससे लगभग 2.5 गुने से भी ज्यादा। जैसे हमने पोस्त हलैला जर्द लिया है 35 ग्राम तो इस मुकिल लेंगे 95 ग्राम यानी कि 2.5 गुने से भी ज्यादा, लगभग 2.75 गुना। तो मुकिल ले लिया हमने 95 ग्राम 95 ग्राम, तो ये इसका रेशियो हो गया। अब आबे गंदना कितना लेना है, उतना आबे गंदना लेना है जितने में मुकिल हमारा घुल जाए यानी कि हल हो जाए। रोगन बादाम शीरी या रोगन बेद इंजीर कितना लेना है, उतना रोगन बादाम शीरी या रोगन बेद इंजीर लेना है जितने में हमारा पोस्ट हलैला जर्द या पोस्ट हलैला काबली जो है वो आसानी से चर्ब हो जाए। इसको तरीका तैयार बनाते वक्त हम सिर्फ पोस्त हलैला जर्द और पोस्त हलैला काबली को ही चर्ब करते हैं, पोस्त बलैला और आमला को चर्ब नहीं किया जाता। और हमारी इसमें कोशिश होती है कि हम इसके लिए रोगन बेद इंजीर यानी कि कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें। क्यों करें अभी बताते हैं। अब उसके बाद शहद की बात करें कि शकर या शहद कितना लेंगे, तो जितने भी हमारे खुश्क अज्जा हैं उनका जितना टोटल वजन हो रहा है उनके वजन का 3 गुना। तो ये तो अब इसको बात करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले जो जो चार दवाएं इत्रीफल वाली हैं, त्रिफला वाली हैं, उनमें से हलैला जात का सफूफ अलग बना लेंगे और उसको रोगन बेद इंजीर में चर्ब कर लेंगे। चर्ब करने के माने क्या होते हैं, चर्ब करने के माने होते हैं ऑयलिंग के, यानी कि जिसको हम लोग अपने तिब्बे यूनानी बोलते हैं अम्ले तदहीन। में करते क्या है, इसमें हाथों को अच्छी तरह साफ करके थोड़ा सा तेल थोड़ा सा रोगन इसके सफूफ में डालते हैं और उस सफूफ को खूब अच्छी तरह से मिला दिया जाता है ताकि रोगन हल्का हल्का तमाम सफूफ में लग जाए और उस सफूफ के अंदर की खुश्की किसी हद तक कम हो जाए।
तो अब इसमें हमने बात करते हैं, इसमें हम रोगन बेद इंजीर ही क्यों लेंगे। अगर हम इस अपने मुरक्कब की बात करें तो हमारा मुरक्कब जो मेन मर्ज पर काम करता है उस मर्ज का नाम है बवासीर, और बवासीर का जो मेन कॉज, वन ऑफ द मेन कॉज बवासीर का है वो है कब्ज। और हमारे यहाँ तिब्बे यूनानी का फंडा है कि ट्रीट द कॉज, हम लोग कॉज पे ज्यादा जाते हैं कि अगर मर्ज का सबब ही ठीक हो जाएगा तो मर्ज अपने आप से ठीक हो जाएगा। अगर रोगन बेद इंजीर का इस्तेमाल अगर कम मकदार में किया जाए तो वो एक बहुत बेहतरीन मुलैयत दवा यानी कि लेग्जेटिव दवा है जो कि कब्ज को रफा करने में मदद करती है। इसीलिए बेहतर ये है कि हम लोग रोगन बेद इंजीर का इस्तेमाल करें। रोगन बादाम शीरी भी उसके अंदर भी मुलैयन अफाल पाया जाता है, लेकिन रोगन बेद इंजीर के अंदर मुलैयन अफाल ज्यादा पाया जाता है। तरीका तैयारी समझते हैं। सबसे पहले पोस्ट हलैला जर्द और पोस्ट हलैला काबली का सफूफ तैयार करें और उसको रोगन बेद इंजीर या रोगन बादाम शीरी के हमरा चर्ब कर लेंगे। उसके बाद जो दोनों खुश्क और दवाएं हैं पोस्ट बलेला और आमला मुकशर, इनका सफूफ तैयार करके अलग महफूज कर लेंगे। अब आएंगे जुज़े खास पे यानी कि मुकिल पर। मुकिल एक गोंद है और गोंद पानी में घुल जाता है, तो मुकिल को आबे गंदना में हल कर देंगे यानी कि आबे गंदना में घोल देंगे। जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में बिल्कुल घुल जाता है तो जो नया लिक्विड तैयार होता है उसको बोलते हैं सलूशन, और उर्दू जबान में सलूशन को बोला जाता है महलूल। यानी कि मुकिल और आबे गंदना जब आपस में पूरी तरह से मिल जाएंगे तो इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों के सलूशन को बोला जाएगा मुकिल और आबे गंदना का महलूल। तो हम लोग पहले इनका सफूफ तैयार करेंगे, उसके बाद मुकिल को आबे गंदना में हल करके महलूल तैयार कर लेंगे। अब फिर अपने उसूल पे जाएंगे कि हमारा उसूल है कि अगर किसी कवामी दवा में कोई दवा सयाल की शक्ल में शामिल करना होगा तो उसको हमेशा कवाम तैयार करने से पहले शामिल करेंगे, या फिर उसी जो भी हमारा सोल्यूशन है, जो भी सयाल लिक्विड फॉर्म की दवा है, उसी में शक्कर या शहद का इजाफा करके कवाम तैयार करेंगे। तो अब क्योंकि ये दोनों घुल जाएंगे तो सोल्यूशन की शक्ल में हो जाएंगे, इसीलिए जो इनका महलूल तैयार हुआ है उसी में शक्कर या शहद का इजाफा करके कवाम तैयार कर लेंगे। फिर क्या किया हमने, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको, इस थ्योरी को। हलैला जात का सफूफ अलग तैयार करेंगे और रोगन बादाम शीरी या रोगन बेद इंजीर में चर्ब कर लेंगे, और बाकी दवाओं का सफूफ अलग तैयार करेंगे। इसके बाद मुकिल को आबे गंदना में हल करके महलूल तैयार कर लेंगे, और तमाम दवाओं के वजन का 3 गुना शकर या शहद लेकर उसी महलूल में डालकर, उसी महलूल में शामिल करके आग पर पकाएंगे। जब वो कवाम यानी कि सिर्फ स्वीट सिर्फ हमारा तैयार हो जाएगा, जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी, तो उसी चाशनी में, उसी कवाम में हम तमाम सफूफ की हुई दवाएं यानी कि हलैला जात जो हमने अलग सफूफ बनाया था वो, और जो दूसरी दवाओं का सफूफ अलग बनाया था वो, तमाम सफूफ को हम उसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिला देंगे और हमारा मुरक्कब, हमारा इत्रीफल मुकिल तैयार हो जाएगा। तो ये है इत्रीफल मुकिल की तरकीब तैयारी। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं इसके अफ़ाल। तो इत्रीफल मुकिल के अंदर जैसे कि मैंने बताया 2 अफ़ाल पाए जाएंगे, एक दाफे कब्ज यानी कि कब्ज को दफा करेगा, कब्ज को ठीक करेगा, और दूसरा दाफे बवासीर यानी कि बवासीर को ठीक करेगा, बवासीर को दूर करेगा। तो इन 2 अफ़ाल के बिना पर इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ। इसका इस्तेमाल किया जाता है इत्रीफल का कब्ज को रफा करने के लिए यानी कि कब्ज को दूर करने के लिए, और दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है खूनी और बादी बवासीर में। तो अब जानते हैं इसकी मकदार खुराक। इसकी मकदार खुराक है 5 से 10 ग्राम सुबह व शाम हमरा अर्क बादियान या आबे नीम गरम। अर्क बादियान के साथ दे देंगे या फिर आबे नीम गरम, आप मतलब पानी, नीम मतलब आधा और गरम माने गरम, यानी कि आधे गरम यानी कि गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल हम सुबह व शाम कराएंगे। कितनी क्वांटिटी में कराएंगे, 5 से 10 ग्राम। जैसे कि मैंने बताया था जब भी हमें कब्ज को दफा करना होगा, कब्ज को भगाना होगा, तो हम नीम गर्म पानी के इस्तेमाल करेंगे, और जब भी हमें मरीज के अंदर कब्ज को पैदा
पैदा करना होगा तो हम सादे पानी का इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, तो इससे आपको दवाओं के साथ लेने वाला बदरका रटने की जरूरत नहीं पेश आएगी, नहीं तो हर दवा का बदरका आपको रटना पड़ेगा। बदरका किसको बोलते हैं, बदरका मैं बता चुका हूं, जो भी चीज असल दवा के साथ, असल दवा के ऊपर, असल दवा के बाद इस्तेमाल में लाई जाती है उसको बोलते हैं बदरका, जिसको हिंदी में अनुपान बोला जाता है। जैसे इस इत्रीफल को हम 5 से 10 ग्राम तो इत्रीफल खाएंगे और उसके साथ अर्क बादियान या आबे नीम गरम इस्तेमाल करेंगे, तो अर्क बादियान या आबे नीम गरम जो है वो इत्रीफल मुकिल का बदरका है। तो ये था इत्रीफल मुकिल के मुतालिक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत दुश्वारी हो तो मुझ तक जरूर पहुंचाइए ताकि मैं उसको दूर करने की कोशिश कर सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए यूनानी सिंप्लीफाई। अल्लाह हाफिज़।